हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 13 की, जो कि 13 नवंबर के लिए जारी की गई। ये क्लास 6 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है गेटिंग टू नो प्लांट्स, और आज हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। चलिए देखते हैं बच्चों, जानते हैं, समझते हैं कि वर्कशीट क्या कहती है। ए फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट। इट इज अटैच टू द स्टेम और ब्रांच विद द हेल्प ऑफ ए शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड पेडिकल। ए फ्लावर हैज फोर मेन होल्स अरेंज इन द ऑन द स्टॉक स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस टू अपवर्ड्स। ए फ्लावर हैज सेपल्स, पेटल्स, स्टैमन एंड पिस्टल और कार्पेल। तो बच्चों क्या कह रहा है ये कि फ्लावर प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल और कलरफुल पार्ट होता है, और इसके मुख्य चार भाग होते हैं सेपल, पेटल, स्टैमन, पिस्टल, और या फिर कार्पल कह दो। तो ये क्या पार्ट है बच्चों, ये जो दिखाया गया है स्टैमन, ठीक है, पेटल, उसके बाद पिस्टल, कार्पल, ठीक है बच्चों। चलिए अब जरा इनके पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। सेपल्स, सेपल्स आर द ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रोटेक्टिंग द बड। दे फॉर्म द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर, यानी ये। फिर है पेटल्स, पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर। दे हैव ए गुड फ्रेग्रेंस, दे अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन। दे फॉर्म द नेक्स्ट होल फ्रॉम आउटसाइड, यानी ये बच्चों। आगे है पेस्टल और कार्पल, इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ ओवरी स्टाइल इग्मा। उसके बाद है बच्चों स्टैमन, स्टैमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ईच स्टैमन कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट एंड ए बैग लाइक स्ट्रक्चर एट द टॉप कॉल्ड एंथर हैविंग पोलन ग्रेन्स। बच्चों तो ये पार्ट जो है, ठीक है, इसमें देख लेते हैं। ये फ्लावर जो आपको दिया गया है, ये और ये फीमेल, ये मेल पार्ट, ठीक है बच्चों। आगे क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ द फ्लावर। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ए प्लांट। इट इज ब्राइटली कलर्ड पेटल्स which attract insect that help in pollination. After being pollinated, the flower produce seed. यानी reproductive part of plant flower है। इसको pollination, इसमें pollination होता है क्योंकि brightly color होता है, और इसी के attract, इसी से attract होता है insect। और pollinator के pollination के बाद flower से ही seed बनता है बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए आगे है, टेक टू डिफरेंट फ्लावर फ्रॉम योर सराउंडिंग एंड अब्जॉर्ब इट्स पेटल्स एंड सेपल। देन ट्राई टू आइडेंटिफाई इट्स स्टैमन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर शोन अबव। स्लोली रिमूव पेटल्स एंड स्टैमन फ्रॉम द फ्लावर सो दैट यू कैन क्लियरली सी पिस्टल। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन ऑन द टेबल गिवन बिलो। तो बच्चों ये आपकी एक्टिविटी है जो कि आपको करनी है। करना क्या है कि आपको दो फ्लावर लेने हैं और उसके अलग अलग पार्ट्स को आपको इसमें सेपरेट करके लिखना है। एग्जांपल इसने दिया है रोज का, जैसे नंबर ऑफ सेपल्स एंड कलर क्या होता है उनका, नंबर ऑफ पेटल्स और उसका कलर क्या होता है, नंबर ऑफ सेपल जॉइंट है या अलग अलग है उसके बारे में, स्टैमन प्रेजेंट है या एब्सेंट उसके बारे में, और पिस्टल के बारे में। बच्चों ये आपको खुद करना है। चलिए बच्चों जरा आपके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं हम इस एक्टिविटी के बाद। क्वेश्चन आंसर्स हैं, पहला है नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, तो ये है फ्लावर बच्चों। आगे है विच पार्ट ऑफ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ स्टैमन एंड एंथर, तो ये मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बच्चों। अगला है विच पार्ट ऑफ प्लांट हेल्प्स इन पॉलिनेशन, तो पेटल्स जो है वो हेल्प करता है पॉलिनेशन में बच्चों। अगला है नेम द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर है पिस्टल और स्टैमन, ठीक है बच्चों।
अगला है आइडेंटिफाई द डायग्राम। तो ये है बच्चों, यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ये है ओवरी, ठीक है बच्चों, ओवरी और ओव्यूल, ठीक है। इसमें पार्ट होते हैं स्टाइल, स्टिग्मा, ओव्यूल, ओवरी। तो ये ओव्यूल है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों आपकी होगी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।